आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी डोरबेल के कनेक्शन उसके स्विच के साथ में किए जाते हैं। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। डोरबेल और उसके स्विच के कनेक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं जैसे एक आम स्विच के कनेक्शन किए जाते हैं, इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना होता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन में फेस और न्यूट्रल आएगा, मतलब इसे हम सप्लाई से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फेस है रेड वाला और ये येलो वाला न्यूट्रल है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो स्विच है, ये जो डोरबेल का स्विच है, तो इस स्विच में आप देख सकते हैं कि दो पोल तो जैसे स्विच में दे रखे होते हैं वैसे दिए हुए हैं, और दो यहाँ पर वायर्स भी दे रखी है। ये वायर एक्चुअल में यहाँ पर जो एक LED होती है, इंडिकेटिंग LED उसे बोला जाता है, तो इस LED की दो वायर्स होती हैं, फेस और न्यूट्रल की। और ये जो दो पोल हैं ये स्विच के पोल होते हैं। अब ये है हमारा डोरबेल और इस डोरबेल में भी आप देख सकते हैं कि दो वायर्स निकली हुई हैं। देखिए हमें कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसको फेस और न्यूट्रल देना है, पर जो हमारा फेस और न्यूट्रल आ रहा है सप्लाई से, तो उसमें आप देख सकते हैं ये फेस है और ये न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर पे इस तरीके से इसे कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से इस LED को मिल जाएगा फेस, और ये वाली जो वायर है इसे यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से इसे मिल जाएगा न्यूट्रल। तो ये LED को फेस और न्यूट्रल तो मिल गए। अब रह गए इसके स्विच के कनेक्शन। अब स्विच के कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो डोरबेल में दो वायर्स दे रखी है इनमें से किसी एक वायर को ले लीजिए और उसे आप एक न्यूट्रल के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। तो हमने इसे न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से ये न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो न्यूट्रल्स हैं इन सभी को टेबिंग कर दीजिए। हमने इन तीनों न्यूट्रल्स को यहाँ पर कनेक्ट करके टेबिंग कर दी है और इसका कनेक्शन हो चुका है। अब रह गया है दोस्तों यहाँ इस पोल के कनेक्शन। अब इस पोल के कनेक्शन में आपको क्या करना है कि ये जो रेड वायर बची है यहाँ पर आपको फेस देना है इस स्विच पर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से इसे कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर तो इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो बैल की दूसरी वायर बची हुई है इस वायर को आपको यहाँ पर जो सेकंड पोल इसका बचा हुआ है इस पोल पे इस तरीके से कनेक्शन कर देने हैं। फिलहाल मैंने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर ये सारे कनेक्शन अब पूरे हो चुके हैं। तो अब आपकी डोरबेल जो है आपके स्विच के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसे चलाकर दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी सप्लाई की वायर है ये फेस और न्यूट्रल वाली, इसे हमें लगाना है इलेक्ट्रिसिटी में। तो मैं यहाँ पर इसे इलेक्ट्रिसिटी में इस तरीके से लगा देता हूँ। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये जो इंडिकेटिंग LED है यहाँ पर जलने लगी है। ये थोड़ा वीडियो में कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत हल्की जलती है, तो यहाँ पर इंडिकेटिंग LED तो जलने लगी है। अब अगर हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो ये डोरबेल चलना शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए ये देखिए दोस्तों, यानी आपके डोरबेल के कनेक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से हो गए हैं। तो किसी भी डोरबेल को इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना होता है। तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।